दोस्तों, मैं चिराग सुहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट सॉल्यूशन ए इजी वे टू सक्सेस। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, जिसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा। ज्योमेट्री आप अलजेब्रा में स्टडी करती हो इक्वेशंस के बारे में, और ज्योमेट्री में आप स्टडी करते हो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल्स के बारे में। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये अलजेब्रा को ज्योमेट्री से लिंक करती है। एक बड़े ही अच्छे एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए ये फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल मैच चल रहा है, तो फुटबॉल पूरे ग्राउंड में कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां पूरे ग्राउंड में घूमती रहती है। मैंने मान लिया किसी टाइम पे वो फुटबॉल इस एक पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर से ड्रॉ कर लीजिए और एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए। अब ये दोनों लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम रख दीजिए ओ। इसको बोलते हैं ओरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हमें इस पॉइंट पे फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल की लोकेशन फाइंड करनी है। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब इन दोनों लाइन पे इक्वल डिस्टेंस में कुछ मार्क्स लगा लेते हैं। तो मैंने कुछ मार्क्स लगा लिए, और ये सब डिस्टेंस, इन दो मार्क्स के बीच की डिस्टेंस और इन दो मार्क्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। तो हमेशा किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग उस पॉइंट की डिस्टेंस कितने यूनिट है। तो आइए इस पॉइंट की डिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन ये रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। हमें पता लग गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट की डिस्टेंस 4 यूनिट है। उसके बाद y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिएगा 1, 2, 3, तो y एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो हमें पता लग गया कि इस पॉइंट की लोकेशन 4,3 है। अब प्यारे बच्चों, हमने देख लिया कि हमारे पास एक कुछ ऐसा सिस्टम है जो लोकेशन को फाइंड कर सकता है या लोकेशन के बारे में अच्छे से बता सकता है। इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के बाद में बात करूं, यदि हम इस पॉइंट की लोकेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट की लोकेशन 4,3 है, यानी कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस 4 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस 3 यूनिट है। इस लोकेशन को 4,3 को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट पेयर। ऑर्डिनेट पेयर इट मींस कि ये जो हम लोकेशन बताएंगे, लोकेशन में फर्स्ट वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस की होगी, यानी कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट पेयर में हम पहले लिखेंगे और उसके बाद y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे। इस तरीके से हमें एक पेयर मिल जाएगा और उस पेयर का नाम होगा ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा दो वैल्यू होगी, एक वैल्यू x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस बताएगी और दूसरी वैल्यू y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस बताएगी। तो ये फर्स्ट वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं एक्सिस, और
और जो y एक्सिस के अलोंग वैल्यू होती है या y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। प्यारे बच्चों, यदि हमें फुटपाथ की लोकेशन की बात करनी हो तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे फुटपाथ की लोकेशन 4.3 है और जिस सिस्टम की हेल्प से हमने ये लोकेशन फाइंड की वो सिस्टम कार्टेशियन सिस्टम है और जो लोकेशन है वो एक ऑर्डिनेट पेयर है। ऑर्डिनेट पेयर में एक वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को बताएगी और दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को बताएगी। अब ये फुटपाथ ग्राउंड फोर पार्ट में डिवाइड होगी, उन फोर पार्ट को हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले बच्चों आप सभी ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, नंबर लाइन में जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है और जीरो से राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी वो होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी और ओरिजिन के राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। या दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि जो ये ओ एक्स है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और O इस पॉइंट को मान लो X डैश, O X डैश हो गया नेगेटिव X एक्सिस। सिर्फ इसी तरीके से अपवर्ड Y को आप बोल सकते हो पॉजिटिव Y एक्सिस और डाउनवर्ड Y को आप बोलोगे नेगेटिव Y एक्सिस। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्डर पेयर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, थर्ड और फोर्थ में कैसा होगा। तो देखिएगा फर्स्ट यदि क्वाड्रेंट की बात करें, ऑर्डिनेट पेयर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है एक्सिसा, तो एक्सिसा क्या होगी फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक्सिसा पॉजिटिव होगी और ऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑर्डिनेट पेयर की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एक्सिसा क्या नेगेटिव हो जाएगी और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। सिर्फ इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यानी कि एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो एलजेब्रा को ज्योमेट्री से लिंक करती है और ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल्स की स्टडी करते हैं, एलजेब्रा में हम स्टडी करते हैं इक्वेशंस के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो इन फिगर्स को इक्वेशंस के साथ लिंक कर देती है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था फुटबॉल ग्राउंड का, इसमें क्या था कि हमने फुटबॉल की लोकेशन फाइंड की थी, फुटबॉल की लोकेशन फाइंड करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और इन दोनों एक्सिस के साथ चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑर्डिनेट पेयर है उसमें दोनों वैल्यू एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव और ऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होती है। शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।